मैंने महाराज को गुवाहाटी में निमंत्रण दिया। महाराज गुवाहाटी में आया, क्या चाहिए महाराज? बोले ग्रेटर टिपरा लैंड चाहिए। ये ग्रेटर टिपरा लैंड का मतलब क्या है? कोई बांग्लादेश से एरिया त्रिपुरा में आएगा क्या? बोले कोई मिजोरम से एरिया त्रिपुरा में आएगा क्या? कोई असम से एरिया त्रिपुरा में आएगा क्या? बोले नहीं नहीं दादा, त्रिपुरा का टीटीएडीसी एरिया को स्टेट बनाना है, त्रिपुरा को दो भाग करना है। मैं बोला महाराज अगर आप त्रिपुरा को दो भाग करेगा और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कैसे बनेगा? तो छुपा हो जाएगा। बोले नहीं नहीं मुझको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। तो हमने महाराज को बोला कि देखिए माँ त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद से ये त्रिपुरा प्रदेश बना है। आपका दादा ने भी त्रिपुरा को दो भाग नहीं किया और आगे भी कोई लोग त्रिपुरा को दो भाग नहीं करेगा। ये आप सुन लीजिए, वो काम नहीं होगा। हम भी पावर के लिए, हम भी मोठा का साथ हाथ मिला सकता था, 50 सीट भी हम लोग जीत लेता था, लेकिन आज त्रिपुरा माँ को दो भाग करना पड़ता था। लेकिन हम वो नहीं माना, समझा आए कि ना आए, लेकिन त्रिपुरा एक रहना पड़ेगा, एक त्रिपुरा शेष त्रिपुरा, ये हमारा वादा है। मैंने महाराष्ट्र को गुवाहाटी में निमंत्रण दिया। महाराज गुवाहाटी में आया, क्या चाहिए महाराज? बोले ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मतलब क्या है? कोई बांग्लादेश से एरिया त्रिपुरा में आएगा क्या? बोले कोई मिजोरम से एरिया त्रिपुरा में आएगा क्या? कोई असम से एरिया त्रिपुरा में आएगा क्या? बोले नहीं नहीं दादा, त्रिपुरा का टीटीएडीसी एरिया को स्टेट बनाना है, त्रिपुरा को दो भाग करना है। मैं बोला महाराज अगर आप त्रिपुरा को दो भाग करेगा और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कैसे बनेगा? तो छुपा हो जाएगा। बोले नहीं नहीं मुझको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। तो हमने महाराज को बोला कि देखिए माँ त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद से ये त्रिपुरा प्रदेश बना है। आपका दादा ने भी त्रिपुरा को दो भाग नहीं किया और आगे भी कोई लोग त्रिपुरा को दो भाग नहीं करेगा। ये आप सुन लीजिए, वो काम नहीं होगा। हम भी पावर के लिए, हम भी मोठा का साथ हाथ मिला सकता था, 50 सीट भी हम लोग जीत लेता था, लेकिन आज त्रिपुरा माँ को दो भाग करना पड़ता था। लेकिन हम वो नहीं माना, समझा आए कि ना आए, लेकिन त्रिपुरा एक रहना पड़ेगा, एक त्रिपुरा शेष त्रिपुरा, ये हमारा वादा है।